नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एस्केलेट। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार, टीयर 500 मंथली लॉटरी, पहला पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। जल्द ही सिलीगुड़ी तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनने के बाद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी नगर निगम हॉल में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि NBSTC के इस संगठन के बुनियादी ढांचे को जल्द ही विकसित किया जाएगा। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के सिलीगुड़ी डिपो का भी होगा कायाकल्प। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के सिलीगुड़ी डिपो के सर्वांगीण विकास के लिए भी पहल की जा रही है। इसके लिए संगठन के माननीय अध्यक्ष MD सहित संबंधित अधिकारियों के साथ उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के सिलीगुड़ी डिपो का दौरा किया। ईडी ग्रुप के एक अधिकारी ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचने और रिफिलिंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। घोसपुकुर ग्रामीण प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने कल सिलीगुड़ी महकमा के घोसपुकुर मैनाली जोत इलाके में छापेमारी की और सूरज प्रसाद शाह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करने की पहल की है। IAS, IPS समेत कई प्रशासनिक नौकरियां पाने के लिए सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सर्विस स्टडी सेंटर को विकसित करना होगा। सिलीगुड़ी में इसे समझाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तर के 38 कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सहकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने के खिलाफ गरज उठा स्वास्थ्य कर्मियों का संगठन। जलपाईगुड़ी में ऑल वेस्ट बंगाल हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एंड सुपरवाइजर फीमेल वर्कर एसोसिएशन सहकर्मी के प्रताड़क आरोपी को सजा देने की मांग को लेकर महिला कर्मचारी संघ के सदस्य मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। मणिपुर में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में जलपाईगुड़ी में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बारिश की परवाह किए बिना सिटी ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी ने शहर के थाना मोड़ इलाके में हस्ताक्षर अभियान चलाया और आम लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए। तृणमूल नेत्री लक्ष्मी बागची ने कहा, यह कार्यक्रम संगठन के राज्य नेत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के निर्देश पर किया जा रहा है। मालदा के उत्तर शाहपुर में दिन दहाड़े बड़े भाई को छोटे भाई ने गोली मारी। घायल शख्स का नाम शेख मुश्ताक है। रतुआ पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की पत्नी फातिमा बीबी ने आरोप लगाया कि उनके पति छत पर थे। अचानक उनका देवर घर में से बंदूक लेकर आया और शेख मुश्ताक को सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलीपुरद्वार जिले के चाय बागानों में तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ और भाजपा के चाय बागान संगठन BTWU की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रत्येक चाय बागान में चाय श्रमिकों ने भारी बारिश की अनदेखी कर श्रमिकों को 20% बोनस की मांग में गेट मीटिंग में भाग लिया। 5 और 6 अक्टूबर को एक और बोनस बैठक बुलाई जाएगी। जलपाईगुड़ी जिले के घराती नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। लोगों ने तत्काल बानरहाट थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। महिला का नाम और पहचान जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सभी घटनाओं की जांच में जुटी है। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी रोड इलाके में सड़क ध्वस्त हो गया और भीषण जाम लग गया। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए। उनकी पहल पर सड़कों को मरम्मत करने का काम शुरू किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मैनागुड़ी रोड इलाके में ओवरब्रिज का काम चल रहा है। आरोप है कि यहां अक्सर ऐसी दिक्कतें आती है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एस्केलेट। धन्यवाद। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। नागालैंड सरकार, टीयर 500 मंथली लॉटरी,
पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी रॉ और उपनी थुप्रे पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 सितंबर पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भेगा टिकट बाटा टीयर सावन मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता वीरेंद्र शर्मा के तपाई हुनुहुन्छ इस पाली को करोड़पति। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813।